हाँ तो भाई, बिग बैश लीग का मैच नंबर 26वां जो कि खेले जाने वाला है REN वर्सेस HUR के बीच में यह मैच खेला जा रहा है। तो इस मैच के लिए हम लोगों का ग्रैंड लीग का यहाँ पर फाइनल टीम क्या होने वाला है, किस किस प्लेयर को हम लोग टीम में लेने वाले हैं और कौन से ऐसे प्लेयर है जिसको यहाँ पर बाहर कर सकते हैं। देखिए, इस मैच के लिए कुछ ऐसे भी प्लेयर है जो कि काफी मैचों से, 3-4 मैचों से नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस मैच के लिए अगर आप ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेना चाहते हो जिसको कोई नहीं लेके जा रहा, तो वो प्लेयर इम्पोर्टेंट रहेगा, पिच के हिसाब से वो यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। और साथ ही बात करें तो यहाँ पर CVC कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना चाहिए, देखा जाए तो सारे लोग स्विट्जरलैंड के साथ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग क्रिस जॉर्डन के साथ जा रहे हैं। तो हमें जो है, अगर हम थोड़ा सेफ जाना चाहें तो किसके साथ जा सकते हैं, अगर थोड़ा रिस्क लेके जाना है कैप्टन वाइस कैप्टन तो किसके साथ जा सकते हैं। और वहीं बॉलिंग सेक्शन पे बात करें तो एडम जंपा है, रिचर्डसन है, काफी सारे ऐसे बॉलर है जिनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, बॉलर तो अच्छे हैं लेकिन अभी रिसेंट का फॉर्म अच्छा नहीं है फिलहाल का, तो उनको टीम में लेना है कि नहीं, अगर लेना है तो वाइस कैप्टन करना है या फिर नहीं करना है। और साथ ही बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा प्लेयर पिछले मैचों में कैसा परफॉर्म करके आ रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर का बैटिंग लाइनअप कितने नंबर पे है, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, सारा डिटेल बात करने वाले हैं। तो कोशिश करना आप वीडियो को पूरा देखने की ताकि आप एक बेहतरीन जो है फैंटेसी टीम बना सको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं गाइड पे, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट वगैरह। तो पिच जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों यह मैच खेला जा रहा है। पिच की बात करें देखो, बैलेंस पिच होने वाला है, बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलेगा, बॉलर को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा आइए जानते हैं। और गुड बॉल पेसर्स है, यहाँ पर जो फास्ट बॉलर होते हैं जो फास्ट बॉल गेंद डालते हैं काफी ज्यादा चलते हैं। वेदर की बात करें तो वेदर देखो ओवरकास्ट रहेगा, बारिश के चांसेस है कि बारिश हो सकती है। एवरेज रन की बात करें तो 161 इस ग्राउंड पे जो है बनते हैं, ज्यादा नहीं बनता, 161-70 इसी के बीच में स्कोर रह जाता है। टोटल विकेट यहाँ पर देखो 51 लिए गए, जिसमें से 17 स्पिनर और 34 जो है पेसर्स ने यहाँ पर विकेट निकाले हैं। तो पेसर्स कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चलते हैं स्पिनर के मुकाबले। टोटल मैच की अगर मैं बात करूं हेड टू हेड में, तो टोटल दोनों टीमों में 11 मैच खेला गया, जिसमें से REN ने जीता 3 मैच और HUR ने जीता 8 मैच। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कौन से टीम से आपको ज्यादा प्लेयर यहाँ पर लेके चलने हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर हम देखें रिसेंट रिकॉर्ड में, तो REN का 1 मैच विन है और HUR का 2 मैच यहाँ पर विन चल रहा है। तो HUR थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम है REN के मुकाबले, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलेंगे टीम बनाने की तरफ। तो विकेट कीपर सेक्शन पे क्वांटन डीकॉक हमको मिलते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन अभी के फिलहाल देखते हैं यहाँ पर मैकडॉर्मेट और मैथ्यूवेड, 3 ऑप्शन जो है हमको अच्छा मिलता है विकेट कीपर सेक्शन पे, तीनों का सिलेक्शन जो है हाई चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटन डीकॉक का रिसेंट अगर परफॉर्मेंस देखें, तो यहाँ पर जो लास्ट मैच है 34 पॉइंट के साथ ये ग्रैंड लीग की टीम में शामिल है, उसके बाद 2 मैच खेला है ये फ्लॉप रहा, फिर यहाँ पर चला है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो 6 मैच खेले हैं, 6 मैच में सिर्फ 2 मैच ग्रैंड लीग की टीम में मतलब अच्छा परफॉर्म किया है और उसके बाद जो है फ्लॉप रहा है, ठीक है, क्वांटन डीकॉक। उसके बाद डॉर्मेट की मैं बात करूं, मैकडॉर्मेट, तो मैकडॉर्मेट 3 मैच में 2 मैच ग्रैंड लीग की टीम में शामिल है, सिर्फ 1 मैच नहीं चला है, पिछला मैच काफी अच्छा यहाँ पर खेल करके आ रहा है डॉर्मेट। उसके बाद बढ़ता है मैथ्यूवेड, तो मैथ्यूवेड का क्या है भाई कि 4 मैच खेला है, 3 मैच बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, 3 मैच देख सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में शामिल है, सिर्फ और सिर्फ 1 मैच फ्लॉप है। तो चलते हैं इन सभी का हम लोग बैटिंग लाइनअप देखते हैं कि पहला कौन सा प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है। तो मैथ्यूवेड है देखो ओपनर अपने टीम का HUR का, और HUR का टीम स्ट्रॉन्ग है आपको पता है। डॉर्मेट जो प्लेयर है वो भी HUR का प्लेयर है, यहाँ पर है, देख सकते हो जो मैकडॉर्मेट है वो 4 नंबर पे खेलेगा, मैथ्यूवेड यहाँ पर ओपनर है अपने टीम का, क्वांटन डीकॉक भी यहाँ पर ओपनर है। तो क्वांटन डीकॉक का देखो विकेट यहाँ पर जो ले जा सकता है, एलिस ले जाएगा या मेरेडिट या फिर क्रिस जॉर्डन जो है विकेट यहाँ पर निकाल के ले जाता है क्वांटन डीकॉक का। तो क्वांटन डीकॉक को तो हम ड्रॉप रखेंगे, ओपनर है यहाँ पर REN का प्लेयर है, तो इसको हम यहाँ नहीं लेके जाएंगे, हमारा बचता है मैकडॉर्मेट और मैथ्यूवेड। तो अगर HUR की टीम बैटिंग सेकंड करती है, रन को चेस करती है, तो मैथ्यूवेड को लेने के साथ साथ आप टीम में वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो फिलहाल हम जो प्लेयर लेके जा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैकडॉर्मेट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, हम मैकडॉर्मेट को लेके चले जा रहे हैं। उसके बाद बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो टीम डेविड है, काफी मैचों से अच्छा नहीं खेल रहा, आपको पता होगा प्लेयर अच्छा है, लेकिन देख सकते हो 6 मैचों में सिर्फ 1 मैच 19 पॉइंट के साथ ग्रैंड लीग के टीम में शामिल है, बाकी सारे मैच यहाँ पर फ्लॉप रहा है, देखो 9 पॉइंट 5 पॉइंट 19 पॉइंट, उसके सिर्फ 1 मैच जो है 19 पॉइंट के साथ ग्रैंड लीग की टीम में शामिल था। उसके बाद यहाँ पर फिंच नहीं खेलने वाला है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मार्स के बारे में। तो मार्स का देखो भाई, मार्स का क्या है कि जितना मैच खेला यहाँ पर, ठीक है, 3 मैच में 2 मैच काफी अच्छा परफॉर्म किया, बस पिछला मैच जो है फ्लॉप होके आ रहा है। तो मार्स देखो इंपॉर्टेंट रहेगा टीम में, आप ले लेना, यहाँ पर फ्लॉप हुआ है तो बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप करेंगे, लेकिन स्पिन गेंदबाज है, कभी कभी बॉलिंग भी कराता है बैटिंग के साथ साथ, तो और बैलेंस पीछे हो सकता है 1-2 विकेट कल मार्स निकाल ले, तो मार्स इंपॉर्टेंट रहेगा लेके चले जाना आप। उसके बाद है राइट, ठीक है,
तो इसका क्या है, तीन मैच खेला है, तीन मैच का तीनों मैच ग्रैंड लीग की टीम में शामिल है, एच यू आर का प्लेयर है, काफी अच्छा है। जैसा हमने बोला एच यू आर के प्लेयर काफी अच्छे हैं, तो इसको भी आप टीम में लेके जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर्स का यहाँ पर देखो छह मैचों में कितना मैच अच्छा खेला है, तीन मैच अच्छा खेला है, बाकी तीन मैच बेकार खेला है। पिछला मैच यहाँ पर बेकार खेल के आ रहा है, तो आप इसे उम्मीद कर सकते हो कि अगला मैच आपको कुछ अच्छा करके दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर वेल्स है, तो वेल्स का अगर हम देखें तो तीन मैच जो पीछे खेल के आ रहा है दोस्तों, तीनों मैच बेकार परफॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हो 21 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, मतलब एक भी बार जो पिछला तीन मैच खेला है उसमें एक भी बार जो है ढंग का खेल के नहीं किया, उसके पहले जो दो मैच खेला था वो अच्छा खेला था। जोवेल को आप जो है ट्रम्प कार्ड प्लेयर अगर यूज करना चाहो तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर वेल को आप लेके जा सकते हो। और उसके बाद हैन यहाँ पर नहीं खेलेगा, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। और हाँ दोस्तों अभी बता दे, जैसे ये हैन है ठीक है, उसके बाद ये प्लेयर है, तो ये सभी जो प्लेयर अभी नहीं खेल रहे हैं, अगर जो हम अभी टीम बना रहे हैं इसमें लाइनअप के बाद कोई प्लेयर चेंज होता है, कोई अपडेट आता है, तो उसका फाइनल टीम फाइनल अपडेट जो है आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका वीडियो का लिंक सॉरी जिसका टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, जाके आप सभी दोनों जगह से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइनअप के बाद देखिए टीम में जो भी चेंजेस होते हैं या सीवीसी बदलना होता है तो वहीं पे हम आपको अपडेट करते हैं, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें जोवेल को आप एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेके जा सकते हो, जैसा हमने बोला। उसके बाद यहाँ पर कॉक्स है, तो कॉक्स का अगर दोस्तों हम पिछला परफॉर्मेंस देखें मैच का, तो सिर्फ दो मैच खेला है, दो मैच का दोनों मैच फ्लॉप रहा है, एक भी मैच जो है ग्रैंड लीग टीम में नहीं आया है। उसके बाद हार्वे का देखें, तो हार्वे देखो सिर्फ एक पॉइंट जो है 24 पॉइंट के साथ ग्रैंड लीग टीम में शामिल है, बाकी किसी भी मैच में नहीं चला है। तो बात करेंगे इन सभी के बारे में हम फर्स्ट लाइनअप में कि कौन सा प्लेयर कहां पर यहां पर खेलता है। तो जोवेल जो है दोस्तों सेकंड नंबर का बैट्समैन है, यहां पर देख सकते हो साफ साफ सेकंड राउंड बैटिंग करता है। उसके बाद जो राइट है यहां पर तीन नंबर पे करता है। उसके बाद टीम डेविड जो है दोस्तों यहां पर छह नंबर पे करेगा, ठीक है। अगर इधर से हम वेल की बात करें तो वेल जो है छह नंबर का है, हार्वे जो है यहां पर पांच नंबर का। हार्वे को सिर्फ 1% लोग लेके जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि ये प्लेयर दो मैच खेला है और दोनों मैच में फ्लॉप रहा है। उसके बाद फ्रेशर्स यहाँ पर होने वाला है, कॉक्स जो है दो नंबर पे होने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन सा इम्पोर्टेंट होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कॉक्स जो है ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर के तौर पे इम्पोर्टेंट होगा। हार्वे को बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहो तो आप हार्वे को जो है लेके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफी मैचों से फ्लॉप चला है। तो बात करें बैटिंग सेक्शन पे यहाँ पर लेना किसको है, तो लेंगे हम भाइयों यहाँ पर मार्स को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर राइट को लेंगे, एच यू आर का प्लेयर है दूसरा, और उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर कॉक्स को एक एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर हम यहाँ पर लेने वाले हैं। उसके बाद वेल है जेवेल, तो जेवेल जैसा कि हमने बोला ये नहीं। उसके बाद वेल देखो काफी मैचों से फ्लॉप चला है, तीन मैच से, तो हम वेल को जो है यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चार बैट्समैन हमने रख लिया, मार्स को, राइट को और वेल्स को और कॉक्स को, जिसमें से हमारा ये जो वेल्स है और कॉक्स है एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर है जिसका सिलेक्शन बहुत लो चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन पर यहाँ पर एंडरसन है। एंडरसन देखो काफी मैचों से फ्लॉप चला है, जितना मैच खेला है सारे में देखो यहाँ पर 9 पॉइंट 9 पॉइंट, 17 और 27, मतलब सारे मैच फ्लॉप रहा है, एक भी मैच अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से लोग इसको टीम में लेके नहीं जा रहे हैं। लेकिन यही मौका रहेगा एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर, 27% सिलेक्शन है, अगर आप इसको रखना चाहो तो टीम में लेके जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी नहीं हमेशा मैच में जो काफी टाइम से जो प्लेयर नहीं चलते हैं वही अच्छा कर जाते हैं कुछ अगले मैच में, आपने देखा होगा। क्रिस जॉर्डन की मैं बात करूं तो छह मैचों में जो है दो मैच अच्छा खेला है, बाकी मैच फ्लॉप रहा है। राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पेसर्स है और पेसर्स को पिच पे सपोर्ट है, तो आप क्रिस जॉर्डन को भी लेके जा सकते हो। बात करें सुदरलैंड के बारे में, तो सुदरलैंड छह मैचों में तीन मैच काफी अच्छा खेला है, कैप्टनसी का पारी खेल के दिया है, बाकी तीन मैच में जो है यहाँ पर फ्लॉप रहा है, ये भी जो है पेसर्स होने वाला है, फास्ट बॉल डालता है। तो बात करते हैं क्रिस जॉर्डन, एंडरसन और सुदरलैंड के बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो यहाँ पर जो एंडरसन है दोस्तों यहाँ पर खेलता है पांच नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सुदरलैंड जो इसके साथ है, बहुत सारे लोग कैप्टन जा रहे हैं, वो खेलता है सात नंबर पे, तो सुदरलैंड के साथ सिलेक्शन कैप्टन में बहुत ज्यादा 51% है, तो हम आपको सीधा बोलेंगे कि आप सुदरलैंड के साथ वो कैप्टन मत जाना, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं किसके साथ जाना है, आगे बताते हैं। उसके बाद जॉर्डन है, क्रिस जॉर्डन काफी नीचे, ये भी आठ नंबर का बल्लेबाज है, ठीक है। तो हमारे लिए वाइस कैप्टन का बेस्ट चॉइस यहाँ पर एंडरसन हो सकता है, या फिर आप दे सकते हो यहाँ पर जो है मैकडॉर्मेट को भी, बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, आप मैकडॉर्मेट को भी दे सकते हो। तो उसके बाद बात करें नीचे और भी प्लेयर है, जैसे ये खेल रहा है चौधरी है, चौधरी जो खेला है जो भी मैच उसमें ठीक ठाक परफॉर्म किया, देख सकते हो चार मैच में तीन मैच काफी अच्छा खेला है, सिर्फ और सिर्फ एक मैच फ्लॉप रहा है। तो चौधरी को लेना है, किसको लेना है, तो देखिए यहां से हम जो लेके जाएंगे एंडरसन को एज अ रिस्की प्लेयर, जैसा हमने बोला लेके जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्रिस जॉर्डन बचता है, क्रिस जॉर्डन हो गया, उसके बाद चौधरी हो गया, तो हम यहाँ पर लेके जाएंगे चौधरी को। उसके बाद सुदरलैंड है, उसके बाद क्रिस जॉर्डन और सुदरलैंड, तो सुदरलैंड को सिर्फ हम टीम में लेंगे, लेकिन
वाइस कैप्टन या कैप्टन यहाँ पर नहीं बनाने वाला है। तो चार ऑलराउंडर हमने ले लिया है क्योंकि बैलेंस पिच है, तो बैट्समैन भी अच्छा खेलेंगे, ऑलराउंडर भी अच्छा खेलेंगे। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, जहां पर हमको एडन जंपा मिलता है जो कि लगातार चार मैचों से फ्लॉप चला है, एक भी पॉइंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। उसके बाद नाथन एलिस है, नाथन एलिस देखो तीन मैच खेला है, चार मैच जो भी छह मैचों में पांच मैच अच्छा खेला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक मैच फ्लॉप रहा है, ये भी पेशा सोने वाला है। रिचर्डसन की मैं बात करूं तो रिचर्डसन जो है पिछला जो एक मैच खेला उसमें फ्लॉप चल रहा है, क्योंकि मैच यहां पर जो है पूरा नहीं हो पाया था, आपको पता होगा बारिश की वजह से मैच नहीं हुई थी, तो उसमें प्लेयर का कोई गलती नहीं है, प्लेयर अच्छा है रिचर्डसन। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरेडिट है जो कि एक मैच, सिर्फ चार मैचों में एक मैच अच्छा खेला है, बाकी मैच फ्लॉप रहा है, इसको छोड़ के हम जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर है रॉगर्स, तो रॉगर्स देखो अच्छा प्लेयर है, आप रॉगर्स को टीम में ले सकते हो। अगर कोई एक प्लेयर आप कम करना चाहो बैटिंग सेक्शन पे या ऑलराउंडर पे, तो आप कम करके यहाँ पर रॉगर्स को ले सकते हो। बात करें डोली की, तो डोली यहाँ पर देख सकते हो दो मैच अच्छा खेला है 62 और 54 पॉइंट के साथ, बाकी मैचों में अच्छा नहीं खेला है। उसके बाद कोई नीचे खास प्लेयर नहीं बचता है, सिर्फ एक प्लेयर है सिडल है, ये खेलने वाला है जो कि पिछला मैच खेला है जिसमें एक विकेट इसने निकाले हैं। तो बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, दो ही बॉलर का ऑप्शन है, तो लेके किसको जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रिचर्डसन को लेके जाने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम लेके जाएंगे नाथन एलिस को, जिसमें से हमारे रिचर्डसन एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाला है। तो हमने यहाँ पर टीम में काफी सारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर डाल लिए, तीन से चार प्लेयर जो कि ग्रैंड लीग के टीम जिसमें माना जाता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं इसमें सीबीसी कौन होगा, तो उससे पहले अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके एक अपना प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो नाइस, अच्छा लग रहा है वेरी गुड, जो भी है, खराब लग रहा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, जो आपके मन में है वो आप कमेंट कर सकते हो। तो बात करें यहाँ पर सीबीसी का चॉइस देना किसको है, सुदरलैंड के साथ यहाँ पर 26% लोग जा रहे हैं जैसा हमने बोला था। उसके बाद वाइस कैप्टन की और कैप्टन की मैं चॉइस की बात करूं तो यहाँ पर जो नाथन एलिस है, उसके बाद यहाँ पर मैकडॉर्मेट है, तो मैकडॉर्मेट और राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैकडॉर्मेट के साथ जाएंगे वाइस कैप्टन, जो कि सिर्फ 3% लोग जा रहे हैं। उसके बाद कैप्टन की मैं बात करूं तो कैप्टन यहाँ पर हम जाने वाले हैं क्रिस जॉर्डन के साथ, हम कैप्टन जाएंगे, ठीक है। सारे लोग जाएंगे स्विट्जरलैंड के साथ, लेकिन आप जो है इसके साथ जा सकते हो या फिर एंडरसन के साथ भी आप जा सकते हो, या बॉलिंग सेक्शन में अगर देखो आप रिस्क लेके जाना चाहो तो आप यहाँ पर रिचर्डसन और नाथन एलिस के साथ वाइस कैप्टन जा सकते हो। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहो तो आप, हमने जैसा बोला, एंडरसन के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो वाइस कैप्टन। उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे राइट को आप सीबीसी बना सकते हो, उसके बाद अगर यहाँ पर वेल्स को बना सकते हो, ठीक है। तो सेफ जाने के लिए थोड़ा सा क्रिस जॉर्डन और रिस्की के लिए मैकडॉर्मेट को हमने वाइस कैप्टन बनाया है। तो दोस्तों फाइनल ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन आपके सामने दिखा रहे हैं, अभी बन के तैयार है। अगर लाइनअप के बाद इसमें कोई चेंज कोई अपडेट ना है इस टीम में, तो आप इसी टीम से खेल सकते हो। अगर टीम में कुछ भी चेंज आता है, अपडेट आता है, तो उसका फाइनल टीम फाइनल अपडेट मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। अब बात करते हैं कि फाइनल टीम नंबर दूसरा क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, उसमें हम किस प्लेयर को लेके चलेंगे, किसको ड्रॉप करके चलेंगे। तो यहाँ पर जिस प्लेयर को हम लेके जाएंगे, हम मैथ्यूड और मैकडॉर्मेट दोनों प्लेयर को लेके जाएंगे, क्वाड्रन डिकॉक को इस टीम में भी हम ड्रॉप रखने वाले हैं। बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग पे यहाँ पर मार्स है, वेल्स है, राइट है, तो हम मार्स को फिर से इस टीम में भी लेने वाले हैं। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम ले लेंगे जो है राइट को लेने वाले हैं, और एक एज अ रिस्की प्लेयर हम यहाँ पर लेने वाले हैं कॉक्स को, तीन ही बैट्समैन हम लेके जाने वाले हैं। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर हम लेके जाएंगे क्रिस जॉर्डन को, उसके बाद चौधरी को और सुदरलैंड को, ठीक है, तीन ही प्लेयर लेके जाने वाले हैं। उसके बाद बचता है बॉलिंग सेक्शन का, तो बॉलिंग सेक्शन पे यहाँ पर रिचर्डसन को और एलिस को हम फिर से जो है रखने वाले हैं, बचा एक प्लेयर जिसमें से हमारा जो है यहाँ पर रॉगर्स होने वाला है। तो फाइनल ये अभी ग्रैंड लीग का टीम बनके तैयार है, जिसमें हमारा HUR का ज्यादा प्लेयर है, 6 प्लेयर है, आप देख सकते हो REN का सिर्फ 5 प्लेयर है। तो इसमें सीबीसी के लिए कौन इम्पोर्टेंट होगा, तो मैथ्यूड इम्पोर्टेंट होगा, अगर बैटिंग सेकंड करती है, रन को टीम चेस करती है, तो मैथ्यूड इम्पोर्टेंट होगा। अदर ऑप्शन में यहाँ पर हम राइट के साथ जा सकते हैं जो कि HUR का बैट्समैन है, काफी अच्छा है। उसके बाद कैप्टनसी की मैं बात करूं तो कैप्टन मैं जाऊंगा यहाँ पर रॉगर्स के साथ, ठीक है, जो कि REN का बॉलर है। आप चाहो तो नाथन एलिस के साथ भी जा सकते हो, जैसे हम नाथन एलिस के साथ मान लीजिए चले गए, तो फाइनल ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन दोस्तों दूसरा आपके सामने बन के तैयार है। अगर लाइनअप के बाद जैसे हमने बोला इसमें कोई चेंज कोई अपडेट ना है, आप इसी से खेलना, अगर आएगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट आपको कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल यहीं तक रहेगा अपना वीडियो, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो में।